पुराने विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत विगत दिनों हुई थी मारपीट, चली थी गोली, जिसका लाइव वीडियो आया सामने। दो युवक हुए थे घायल, एक के हाथ और दूसरे के पैर में लगी थी गोली। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत गुरु मार्केट में उस समय सनसनी फैल गई थी जब दो गुटों के बीच हुई थी मारपीट के बाद गोली चल गई। गोली एक युवक के हाथ और दूसरे के पैर में लगी। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर विश्वविद्यालय पहुंची पुलिस, तब तक घायलों को उनके साथियों के द्वारा अस्पताल पहुंचा दिया गया। घायल युवकों की पहचान प्रकाश त्रिपाठी निवासी बिछिया और सत्यम तिवारी निवासी अनंतपुर बताए जाते हैं। विवाद की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। घटना 11:45 के करीब विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत गुरु मार्केट में घटी, जहां तीन युवकों के गोली मारने में नाम सामने आए हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। वहीं घायलों का संजय गांधी अस्पताल में उपचार चल रहा है। प्रकाश त्रिपाठी के हाथ और सत्यम तिवारी के पैर में गोली लगी थी। गनीमत रही कि गोली सीने में नहीं लगी, वरना गंभीर घटना घटित हो सकती थी। बताया जाता है कि दोनों पक्षों से लोग नशे में थे और पुराने विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद गोली चलने की घटना घटित हुई है। गोली मारने वालों की पहचान आनंदपुर निवासी युवकों के रूप में हुई है, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। वहीं गोलीकांड का लाइव वीडियो अब सामने आ गया है, जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि किस तरह आरोपियों ने दो राउंड गोलियां चलाई हैं। नगर पुलिस अधीक्षक सचिदानंद प्रसाद ने बताया कि आरोपियों की तलाश की जा रही है और आरोपियों के ऊपर मामला कायम कर लिया गया है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए रीवा से क्राइम रिपोर्टर रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत गोली कांड हुआ था, जिसका वीडियो सामने आ गया, क्या मामला है? पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 11:23 थाना विश्वविद्यालय के क्षेत्र के अंतर्गत गुरु मार्केट के पास मैं बदमाश प्रिंस मुरैना और अभि पांडे अधिराज अन्य दो साथियों के साथ में घायल ये प्रकाश त्रिपाठी और सत्यन चारी के साथ में फायर किए थे इनके ऊपर, जिससे प्रकाश त्रिपाठी को पैर में गोली लगी थी और सत्यम को जो है बाएं हाथ के पास लगी थी। और इन्हें तत्काल इनकी सूचना पुलिस को मिलने पर पुलिस ने इनको जो है अस्पताल पहुंचाया था और मुलजिमों की पता तलाश चल रही है। फुटेज भी देखकर इनके इसके हिसाब से तलाश की जा रही है।
कहाँ के आरोपी रहने वाले हैं? रविशी जी टोरा और अनंतपुर के बताए गए हैं। किस बात को लेकर तो पुराने रंजिश के बाद विवाद को लेकर आरोपी के धरपकड़ चालू है। आरोपियों के धरपकड़ निरंतर जारी है।